हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था फ्रेंड्स कि आपको पेट्रोल पंप के लिए कितनी एनओसीज लेनी होती है। तो वो 9 to 12, 9 से 12 एनओसी हैं। वो अदर अदर एरियाज के अंदर डिफरेंस होती हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स कि कौन सी एनओसी सबसे पहले आपको लेनी होती है, जिसकी वजह से आपको मतलब जो सबसे ज़्यादा मेजर होती है और जिस एनओसी से दूसरी एनओसी भी रिलेटेड होती हैं फ्रेंड्स। तो उस एनओसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि हमें एनओसी तो हर डिपार्टमेंट की लेनी होती है, बट जो सबसे मेजर एनओसी होती है वो हमारी जो एनओसी होती है वो पीडब्ल्यूडी की एनओसी होती है, लोक निर्माण विभाग की एनओसी होती है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो एनओसी होती है लोक निर्माण विभाग की फ्रेंड्स, इस एनओसी के साथ ही हमारी दूसरी एनओसीज भी जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा फ्रेंड्स कि जब आप पीडब्ल्यूडी की एनओसी के लिए अप्लाई करें तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि सबसे फर्स्ट आप जिस एनओसी पे कार्य करेंगे वो पीडब्ल्यूडी की एनओसी होगी। और वो एनओसी अगर आप कंफर्म करेंगे तो उसके बिहाफ में ही जब आप सीएलयू लेने जाएंगे तो फर्स्टली सीएलयू के लिए आपको पीडब्ल्यूडी की कंफर्मेशंस भी, पीडब्ल्यूडी की एनओसी आपकी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसके बाद ही आप सीएलयू के लिए अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपनी एनओसीज की फाइल प्रिपेयर करें तो फर्स्टली आप पीडब्ल्यूडी की एनओसी के ऊपर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की एनओसी मिलने के बाद ही आप सीएलयू अप्लाई कर पाएंगे। उनकी कंफर्मेशन के बाद कि आपको पीडब्ल्यूडी कंफर्मेशन मिलेगी तो देन यू गो फॉर सीएलयू। और उसी हिसाब से आपको फॉरेस्ट की एनओसी के इसके बाद अगर आप सीएलयू कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर दैट आप सीएलयू के लिए कंफर्म सीएलयू मिलेगी। तो देखिए आपकी चेन बनती है फ्रेंड्स। पीडब्ल्यूडी की एनओसी वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की एनओसी अगर मिलेगी तो आप सीएलयू के अंदर उसकी लेटर लगता है पीडब्ल्यूडी का, तो वो लेटर तभी लगेगा जब आपकी एनओसी मिल जाएगी, तो आप सीएलयू के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। और सीएलयू का जो लेटर होता है फ्रेंड्स, वो पीडब्ल्यूडी और सीएलयू दोनों का जो लेटर होता है वो हमारा फॉरेस्ट की एनओसी के अंदर लगता है, तो हमें फॉरेस्ट की एनओसी भी उसके बाद ही मिलेगी। तो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट एनओसी फ्रेंड्स हमारी पीडब्ल्यूडी की, और वैसे तो ये तीनों ही मेजर हैं बट ईच अदर से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी पीडब्ल्यूडी की एनओसी के ऊपर फोकस करें और उसको सबसे पहले अप्लाई और सबसे पहले पाने की कोशिश करें। अगर वो एनओसी जितनी जल्दी मिलेगी आपका पंप उतना ही फास्ट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आपको इस वीडियो में जानकारी कि कौन सी एनओसी जो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट और सीएलयू। तो फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी की एनओसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखें। और भी कोई क्यूरी हो आपको किसी भी रिलेटेड फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आती है आपको नोटिफिकेशन मिलेगी फ्रेंड्स। और आपकी जित ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयरिंग जो रहेगी वो हमें मोटिवेट करेगी फ्रेंड्स। और मैं आपको बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं पेट्रोल पंप की वो मेजर इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो के अंदर आपको देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।